दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। सामने आए 6,953 नए मामले, एक दिन में 69 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। अब कोरोना संक्रमण के 40,258 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पहली बार कोरोना के एक्टिव केस 40,000 के पार पहुंच गए। इनमें होम आइसोलेशन के 24,100 संक्रमित हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,953 नए मामले सामने आए। बाइडेन की जीत के बाद अमेरिका की सड़कों पर जश्न। बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं, जबकि भारतीय मूल की अमेरिकी कमला हैरिस यूएस की उपराष्ट्रपति बनने वाली हैं। बाइडेन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी है। इसी बीच अमेरिका की सड़कों पर बाइडेन की जीत का जश्न शुरू हो गया। कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कबीर शिवराज ने दिया था राज्य मंत्री का दर्जा। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में एडीएम अजय देव शर्मा और अन्य एसडीएम तथा पुलिस अधिकारियों की टीम आज सुबह एक्शन में है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। गांधीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह कार्रवाई चल रही है। कंप्यूटर बाबा को 2018 में तत्कालीन शिवराज सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। प्रदूषण से लगातार खराब हो रही दिल्ली की हवा, 5 शहरों में भी गंभीर स्थिति। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 440 तक पहुंच गया, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 431, जहांगीरपुरी में 465, पंजाब विभाग में 426 और रोहिणी में 424 रिकॉर्ड किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। सेल्फी लेने के दौरान चली गोली, युवक की मौके पर ही मौत। ग्रेटर नोएडा में एक शख्स सेल्फी ले रहा था, इस दौरान उसके हाथ से पिस्टल थी और कनपट्टी पर पिस्टल को लगाकर शख्स सेल्फी ले रहा था। हालांकि इसी दौरान पिस्टल का ट्रिगर दब गया और गोली कनपट्टी के पार हो गई, जिसके कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। करंट लगने से छटपटा रहे किसान को बचाने गया बच्चा, दोनों की हुई मौत। प्रेम प्रकाश यादव खेत में धान काट रहे थे, तभी वह खेत से गुजर रहे बिजली के तार के संपर्क में आ गए। उनको छटपटा था देख उनके पास खेत में काम कर रहा 10 साल का बच्चा प्रिंस कुमार उन्हें बचाने गया, इसी दौरान उनको भी करंट लग गया। दवा घोटाले में पीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक सहित 5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। दवा घोटाला के प्रवर्तन निदेशालय ने कॉलेज के पूर्व अधीक्षक ओपी चौधरी सहित 5 लोगों की 3.14 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। ईडी द्वारा आरोपियों के पटना, गाजियाबाद, पुणे और बेंगलुरु में प्लॉट, फ्लैट, 4 पहिया वाहनों के साथ बैंकों में जमा राशि को भी छोड़ा गया। बिग बॉस के घर में वापस लौटी कविता कौशिक। पॉपुलर सेलेब और बिग बॉस के फॉलो करने वाले 4 सदस्यों में कविता ने बिग बॉस के घर में एंट्री को लेकर फैसला लिया और इस पर आपसी सहमति जताई। सलमान खान ने बिंदु दारा सिंह, काम्या पंजाबी, सुरभि चंदना और आरती सिंह के पैनल में डिस्कस किया। इन चारों ने कविता से उसके घर में बेघर होने की वजह और घर में वापस आने के कारण पूछे। आरोपों के बीच मिलिंद की वाइफ ने शेयर की एक्टर की शर्टलेस फोटो, बढ़ाया हौसला। अंकिता कोवर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हस्बैंड मिलिंद संग बीच पर रिलैक्स करते हुए तस्वीर शेयर की। अंकिता ने मिलिंद की शर्टलेस फोटो शेयर की। मिलिंद चश्मा लगाए हुए हैं और बेहद कूल नजर आ रहे हैं। हार मानने को राजी हुए डोनाल्ड ट्रंप, कहा मुझे 7 करोड़ की ज्यादा वैध वोट मिले हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर किया, पर्यवेक्षकों को काउंटिंग रूम में घुसने की इजाजत नहीं दी गई। मुझे 7 करोड़ 10 लाख वैध वोट मिले हैं, यह चुनाव मैंने जीता है। सबसे बुरी बात यह है कि कोई पर्यवेक्षकों को काउंटिंग रूम देखने की इजाजत नहीं दी गई, ऐसे पहले भी कभी नहीं हुआ। बड़ी संख्या में मेल इन बैलेट्स को लोगों तक पहुंचाया गया, जबकि उन्होंने यह नहीं मांगा था। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ और देखते रहिए डीएनपी इंडिया, साथ ही शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।